निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। गत विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया उसी का आशीर्वाद है कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता से जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे जो घोषणा पत्र जारी किया था उसको एक नीतिगत दस्तावेज के रूप में उसको शामिल किया और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए कि घोषणा पत्र के अनुरूप अपने अपने विभाग से संबंधित जो भी बिंदु हैं उन पर आप कार्य योजना बनाएं और उनकी क्रियान्विति करें। सभी विभागों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उस पर काम शुरू किए हैं और सरकार ने एक वर्ष में जो आम जन से जुड़े हुए जन कल्याण की कई योजनाएं लागू की हैं चाहे वो पेंशन बढ़ाने का काम हो चाहे दवाई में निःशुल्क दवा योजना को आगे बढ़ाने का काम हो निःशुल्क जांचों को आगे बढ़ाने का काम हो। पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी तब मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने निःशुल्क दवा योजना चालू की थी उसकी सराहना पूरे देश में हुई थी। हमारे जो विरोधी पार्टी के जो नेता हैं उनने भी उनकी सराहना की थी लेकिन दुर्भाग्य रहा बीच में जब भाजपा की सरकार बनी राजस्थान में उन्होंने उसमें दवाइयों की कटौती की। उन्हें जब कांग्रेस की सरकार आई अभी तो जो दवाएं कम की उनको वापस बढ़ाया गया और नई और दवाइयों को शामिल किया गया ताकि अधिक से अधिक तरह की बीमारियां उसमें कवर हो सकें गरीबों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। इस तरीके की इस सरकार के एक साल के कार्यकाल में कई जन कल्याण की योजनाएँ लागू की हैं और आने वाले समय में और लागू करेंगे ये सरकार का उद्देश्य है। बजरी से लोगों कब तक राहत मिल जाएगी? बजरी के लिए भी जो मुख्य जो बजरी की जो समस्या है इसका जनक पिछली जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो है। उन्होंने इसको एक फोड़े के रूप में विकसित किया और उनके समय इस एक कैंसर का रूप उसने धारण किया। हमारी जब सरकार आई हमने निजी खातेदारी में बजरी की एलोई की नीति लागू की और अभी तक लगभग पूरे प्रदेश में 480 से ऊपर एलओए जारी हो चुकी हैं। उससे जनता को रिलीफ मिलना भी शुरू हुआ है और एमसेंट नीति भी लाई जा रही है ताकि एक बजरी का सब्स्टिट्यूट भी जनता को मिले। तो इसके ऊपर भी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है और आगे इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। एनआरसी को लेकर सरकार का क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो स्पष्ट रूप से फेल सरकार है। ये हम ही नहीं अच्छे अच्छे जो अर्थशास्त्री हैं उनके मोदी जी के जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके परिवारजन हैं वो भी इसका उल्लेख कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक नीति डगमगा रही है और उस चीज़ को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके की जो धारा 370 और ये संविधान में परिवर्तन करना ये सब एक उसी का अंग है। हम इसका विरोध करते हैं और माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि जनता की भावनाओं को अनुरूप मद्देनज़र रख के वो फैसले लें। देश में हिंदुस्तान एक पूरे विश्व में एक अपना आप में एक अनुकूलीय स्थान रखता है और जैसा यहाँ है यहाँ सभी धर्मों सभी समाजों को एक समानता का अधिकार है और हमारी भी और कांग्रेस की भी यही नीति है। कांग्रेस हमेशा सबको साथ रख के चलने का माजदा रखती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का हम विरोध करते हैं।